श्री रामलला बलिदानी कार सेवक स्मृति भवन का लोकार्पण अयोध्या की तपस्वी छावनी में हुआ आयोजन। तपस्वी छावनी के पीठेश्वर स्वामी परमहंस दास ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को आहुत कर दिया, पूरा जीवन से संघर्ष करते रहे, उनको किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सब लोग सदैव याद करते रहें। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, स्वयंसेवक दल और भारतीय जनता पार्टी लोगों से कई बार हमने आग्रह किया है कि एक स्मृति भवन का निर्माण हो, लेकिन थोड़ा विलंब होते देख अपने आश्रम की जगह मैंने अपनी आश्रम की जगह दे करके और एक स्मृति भवन का निर्माण कराया। राम के लिए राम घाट, राम भक्तों के लिए, और हर सुबह शाम वैदिक विधि से उनकी पूजा होगी। जो भी श्रद्धालु चाहे देश विदेश से आकर यहाँ दर्शन करेंगे, उनके नाम से यहाँ कक्ष रहेगा और हम लोग उनको सदैव नमन करते रहेंगे। कार्यक्रम जो है तो श्री राम लला बलिदानी कार सेवक स्मृति भवन का लोकार्पण अयोध्या की प्राचीनतम पीठ सिद्ध पीठ तपस्वी जी की छावनी में हुआ है। चूंकि राम मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया, पूरा जीवन जो संघर्ष करते रहे, उनको किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता है और हम सब लोग सदैव याद करते रहें, इसके लिए मैंने भी बजरंग दल, स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कई बार हमने आग्रह किया कि एक स्मृति भवन का निर्माण हो, लेकिन थोड़ा विलम्ब होते देख करके मैंने अपने आश्रम की जगह दे करके और एक स्मृति भवन का निर्माण कराया राम के लिए, राम घाट पर राम भक्तों के लिए, और यहाँ सुबह शाम वैदिक विधि से उनकी पूजा होगी। जो भी श्रद्धालु चाहे देश विदेश से आकर के यहां दर्शन करेंगे, उनके नाम से यह कक्ष रहेगा और हम लोग उनको सदैव नमन करते रहेंगे। जय श्री राम।